यदि आप भी कुवैत में रहते हो और कुवैत के खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट पूरा देखिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही खास इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताने वाला हूँ जैसे कि कुवैत में किन देशों को आप वीजा नहीं दिया जाएगा और कितने लोगों ने यहाँ पे उल्लंघन किया तो दोस्तों इस वीडियो में आज बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको बता दूँ सबसे पहले जो खबर आ रही कुवैत से वो है कुएत के सांसद मोहम्मद हैफ ने कहा है कि जो भी देश अपने नागरिकों से अभी लेने अपने नागरिकों को लेने से मना कर रहा है तो दोस्तों आपको बता दूँ उन सभी देशों को देशों के लिए हमेशा के लिए वीज़ा बैन कर दिया जाएगा उनको कभी कुवैत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो दोस्तों वहाँ कुवैत के जो सांसद है ना वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे करीब करीब एक लाख साठ हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे इलीगल लोग रह रहे हैं जिनके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सभी देशों को कहा जा रहा था कि अपने अपने जो भी लीगल रूप से जो यहाँ पे हमारे देश में रहने रहे हैं सभी अपने देश में वापस ले ले पर दोस्तों बहुत सारे मुल्कों ने ये मना कर दिया है कोविड नाइन्टीन के कारण कि अभी मैं अपने अपने मुल्क फिलहाल नहीं ले पाऊंगा तो दोस्तों इसके लिए कल प्रस्ताव भी रखा जाएगा यदि इस पर सहमति होती है तो वीजा उसके लिए बैन कर दिया जाएगा अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वह आ रही आंतरिक मंत्रालय मंत्रालय से तो दोस्तों आपको बता दूं आंतरिक मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि काईस लोगों का कल, कल फिर से गिरफ्तार किया गया है जिसमें 21 लोग कुवैती हैं और दो एक्सपर्ट हैं तो आपको बता दोस्तों उसमें चार लोग हलीग के हैं सात फरवनिया के हैं और बारह अहमदी के हैं तो दोस्तों जो भी वहां पर उल्लंघन कर रहे हैं सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है गिरफ्तार करने के बाद उन सभी पे कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो दोस्तों यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वहां कुवैत नगर टीम ने वहां पे चार सौ चार